अपनी मक्कारी से मेरे परिवार पर मंत्र फेर दिया। ठीक है, लड़की को जिंदा छोड़ दूंगा, पर एक शर्त पर, तुम्हें अकेले मेरे पास आना पड़ेगा। ए, पहली बार इस घर में हंसी की आवाज गूंज रही है। अब इन लोगों की मुस्कुराहट कम नहीं होने दूंगा। तू जब और जहां बुलाएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहीं और से आदमी बुलाने पड़ेंगे बॉस? जितना चाहो उतना आदमी बुला लो। मेरे एक बुलावे पे तू यहां पे आ गया। तू महान है। मैंने लड़की को जिंदा छोड़ने का वचन दिया था अपने पापा को, अपने परिवार के खातिर। इसलिए दुश्मन के बेस में अटैक करूंगा, बेटी के साथ साथ उसके बाप को भी नरक पहुंचाऊंगा। दौलत की दौलत और बोनस में सिंपथी, अब तो तू फ्री में ही मरेगा उनके लिए जो तेरे कुछ नहीं लगते। इस दुनिया में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी मौत चुनना हमारे हाथ में है। मरना ही है तो मर्द की तरह मरूंगा। मारो इसको। यहाँ इसे मार चुका हूँ, उन्हें खत्म किया या नहीं? सिर्फ उन दोनों को नहीं बे, आज तेरी पूरी फैमिली का अस्तित्व मिटा दूंगा। मेरे सामने तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरे पांव पकड़े, फिर भी तू नहीं पिघला। कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं, आज मेरा बदला पूरा होगा। ए पंडित, अपनों के खोने का गम क्या होता है आज तुझे महसूस होगा। कौन है ये लोग? मार डालो एक एक को पकड़ पकड़ के। आ जाओ बेटी। डैडी। निकलो निकलो निकलो। चलो चलो। भागो चलो। ये आ
गया सुपर हीरो। दिलेश्वर, जानता है उसकी आंखें क्या कह रही हैं? तेरा चेहरा थूकने के लायक भी नहीं है। एक सांप की तरह अपने सपोलों को मारना चाहा, ये जो कुछ हुआ हमारे पापों की सजा है। हमारे कारण उम्र भर इसके पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ा, लेकिन इसने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस लड़के से बहुत कुछ सीखा है मैंने। अगर संभव हो तुम भी जीवन के पथ बदल लो। जो कुछ हुआ वीरा भाई की वजह से हुआ। बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये डट कर लड़े, जान पर खेलकर हम सबको बचाया। सच में? एकदम सच। वीरा, I love you। सच तो ये है कि इसके लिए जितने पापड़ बेले इतने में तो अनुष्का पट जाती। मुझे शर्म आती है। I love you। ससुर जी। बोलिए जमाई जी। ये मेरा बेटा है। मैंने सोच लिया, मैं इसे गोद लूंगा। क्या बात है बापू, सुधरोगे? लेकिन इतनी जल्दी सुधरोगे ये कभी नहीं सोचा था। बेटे ने उम्र भर कुत्ते की तरह घुमाया, अब जाकर कहीं सुकून से बैठने को मिला है। अरे अरे अरे, बैठिए बैठिए, आराम कीजिए। मेरे दादा की जगह पर किसको बिठा दिया? आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे बेटे ने। अरे भैया, आप इसे नहीं जानते? नहीं जानता, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। ठीक है बताओ। एक बार एक राजा था, उसके 40 बच्चे थे। मुर्गी के बच्चे हैं या कुतिया के बच्चे हैं? इतने बच्चे कैसे हो सकते हैं? इस काम में सेनापति और मिनिस्टर ने उनकी मदद की। सिर्फ सामान नहीं, बहादुरी का अवार्ड भी दिया। अरे ये कौन सा अवार्ड है जो बच्चे पैदा करने पे मिलता है? ऐसी बात नहीं है। उन्होंने राजा को 40 बच्चे अडॉप्ट करने में मदद की। ये बात है, कंटिन्यू। 40 बच्चों के लिए 40 आया रखी गई। 40 बच्चों के लिए 40 आया। आगे एक दिन बच्चे रोने लगे। रोने लगे? उन्हें दूध दिया गया। उन्हें दूध दिया। खिलौने दिए गए। खिलौने दिए। गोद में उठाया गया। गोद में उठाया। वो रोते रहे। चॉकलेट खिलाया। सिर्फ इतना बता दे वो चुप है या नहीं। चुप हुए ना। उधर सायरन बंद हुआ, इधर बच्चे चुप हो गए। अच्छा, बच्चे चुप हो गए। इस कहानी से उस आदमी का क्या कनेक्शन है? जिस आदमी ने सायरन ऑफ किया था ना, वो इसके परदादा थे। सायरन वहाँ बंद हुआ ना, जरा इसे पकड़। पकड़ लिया। अच्छा, बहुत स्टोरीज है ना। ए, कैमरा चालू है, ये फैमिली फिल्म है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज है ना। अरे आंख प्रदर्शन मत कर। आया फिर तो 40 ड्राइवर भी रहे होंगे। क्या कमर है यार। आइटम सॉन्ग का डांसर समझाए क्या? क्यों पीटा इसे? क्यों पीटा? अरे निकालो यार, शॉर्टकट करो।